मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा है कि पार्टी जहां से कहेगी मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। पीएम मोदी के चौकीदार कैंपेन को लेकर कहा कि जिसकी चोरी पकड़ी गई वो चौकीदार है या चोर। वहीं उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी के नौटंकी बाजों से कहीं ज्यादा बेहतर हूँ। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सबसे कठिन सीट से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के चुनाव लड़ने की खबरें तेज हैं, जिसे लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि वे कहां से चुनाव लड़ेंगे और कौन सी मुश्किल सीट है ये पार्टी तय करेगी। उन्होंने कहा है कि पार्टी जहां से कहेगी मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। कौन सी मुश्किल सीट है ये तय करेगी कांग्रेस पार्टी, और जहां से वो कहीं मैं चुनाव लड़ूंगा। फिर भी जहां से कहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के मैं भी चौकीदार कैंपेन पर निशाना साधते हुए कहा कि जिसकी चोरी पकड़ी गई है वो चौकीदार है कि चोर है। अगर चोर ही चौकीदारी का तमगा डाल के चलेगा तो चौकीदारी कौन करेगा। राफेल को सबसे बड़ा घोटाला बताते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि वे कीमत बताने को तैयार नहीं है। ऐसा भ्रष्टाचार कभी देखने को नहीं मिला। एक बात सुनो, जिसकी चोरी पकड़ी गई वो चौकीदार है कि चोर है। अब शिवराज सिंह चौहान भी, जिनकी खुले राम चोरी पकड़ी गई व्यापम में, ई टेंडरिंग में, कौन से घोटाले में शिवराज सिंह ने चोरी नहीं की, वो भी चौकीदार। अगर चोरी ही चोर ही चौकीदार अपना गले में तकमा चाल के चलेगा तो चौकीदारी कौन करेगा। वही हालत मोदी जी की है। राफेल के मामले में इतना बड़ा घोटाला हुआ है जो आज तक नहीं हुआ होगा। आज तक वो हमें कीमत बताने की तैयार नहीं है कि आखिर ये हवाई जहाज कितने में खरीदे, कितने में यूपीए सरकार खरीद रही थी और कितने में मोदी जी ने खरीदे हैं। इतना बड़ा भ्रष्टाचार देश के इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। गृहस्थ संत देव प्रभाकर शास्त्री दद्दाजी से भेंट करने कटनी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री ने हिंदुत्व को लेकर कहा कि भाजपा ने हिंदुत्व का ठेका ले लिया है। मैं भी हिंदू हूं और बीजेपी के नौटंकी बाजों से कई ज्यादा बेहतर हूं। अरे ये बीजेपी को ठेका ले लिया है, मैं हिंदू हूं और इन सब बीजेपी के नौटंकियों वालों से मैं ज्यादा बेहतर हिंदू हूं। नायखरा जी, और हमने नर्मदा जी, माँ नर्मदा की परिक्रमा की है, कितने नौटंकियों ने की है, कोई ठेका ले लिया इन लोगों ने। स्वामी स्वरूपानंद जी मेरे गुरु हैं, आज से नहीं सन 83 से हैं। दद्दा जी मेरे सर्वमान्य हैं, मैं उनसे मिलने आया हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह कौन सी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं इस पर सभी की नजर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, कटनी।